अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे कल मैंने आपको फर्स्ट टे, डेरिवेटिव रूल टेस्ट बताया था कि फर्स्ट डेरिवेटिव किस तरह अप्लाई करते हैं आज मैं आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बताऊंगी क्वेश्चन नंबर टू है आपने क्वेश्चन नंबर टू है फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड बाय यानी कि सेकंड डेरिवेटिव इसमें आपका क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट और सिक्स पार्ट एट और नाइन पार्ट आपके शॉर्ट सिलेबस में शामिल है ठीक है तो मैं आपको करवाती हूँ इसका ना सिक्स पार्ट करवाती हूँ सिक्स में ये मिस्टेक है यहाँ पे थ्री आना है तो एफ ओ फैक्स आपको दिया हुआ है सिक्स पार्ट है आपके पास एफ ओ फैक्स दिया गया है टू एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स क्यू माइनस थर्टी सिक्स एक्स प्लस थ्री ठीक है हम यूज़ करेंगे यूजिंग द सेकेंड डेरेवेटिव टेस्ट यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ठीक है तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको कहा था क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आपको फर्स्ट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा फर्स्ट पे पहले लें तो आपके पास आ जाएगा सिक्स एक्स स्र माइनस सिक्स एक्स माइनस थर्टी सिक्स एंड फिर अगेन सेकंड डेरिवेटिव लो तो आपके पास आ जाएगा ट्वेल्व एक्स माइनस सिक्स ठीक है तो आपने फोर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए भी इसी तरह ही करते हैं और सेकंड डेरिवेटिव के लिए फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू ज़ीरो पुट करना है एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए तो आप क्या करेंगे सिक्स एक्स के माइनस सिक्स एक्स माइनस थर्टी सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो तो सिक्स से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा सिक्स एक्स माइनस सिक्स तो ये सिक्स इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें तो एक्स के और माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो तो आपके पास क्या आ जाएगा कॉमन एक्स माइनस थ्री और इसमें से टू कॉमन तो एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो तो एक फैक्टर आपके पास बन जाएगा एक्स प्लस टू और एक फैक्टर आ जाएगा एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो तो एक्स की वैल्यू का आ जाएगी माइनस और एक वैल्यू आ जाएगी थ्री तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए इन पॉइंट्स पर आपने चेक करना है कि एक्सट्रीम वैल्यूज फंक्शन फंक्शन जो है वो रिलेटिवली मैक्सिमा है या रिलेटिवली मिनिमा यानी मैक्सिमम इंक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग हो रहा है अब आपने क्या करना है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है कि आपने सेकंड डेरिवेटिव में दोनों पॉइंट्स पुट करने हैं एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू आप सेकंड डेरिवेटिव में एक्स इक्ल टू माइनस टू पोर्ट करो तो क्या आ जाएगा ट्वेल्व माइनस टू माइनस सिक्स तो ये आ जाएगा माइनस ट्वेंटी फोर माइनस सिक्स तो ये माइनस में वैल्यू आ रही है ये माइनस थर्टी आ रहा है तो ये लेस देन जीरो है तो इसका क्या मतलब है जो गिवन फंक्शन है आपका गिवन एफ ऑफ एक्स इज रेलेटिवली रेलेटिव मैक्सिमम एट x इक्वल टू माइनस टू क्योंकि मैंने आपको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट बताया था अगर लेस देन जीरो है तो मैक्सिमम है अगर ग्रेटर ग्रेटर देन जीरो है तो यहाँ पे मिनिमम आना था तो आपके पास अब एट एक्स इक्वल टू थ्री पे आप वैल्यू पुट करो तो क्या आ जाएगा डबल डेरिवेटिव एट थ्री तो आप इसको वैल्यू सब्सिट्यूट करोगे तो ट्वेल्व इंटू थ्री माइनस सिक्स तो ये आ जाएगा छः और छत्तीस माइनस तो थर्टी तो ये थर्टी क्या ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब क्या एफ ऑफ एक्स इज वैलिटिव मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू थ्री ग्रेटर देन है तो लेस देन आ जाएगा और लेस देन है तो वो ग्रेटर देन आ जाएगा ठीक है और उसके बाद है जो इसका नेक्स्ट एयर पार्ट है बाकी बहुत इजी है वो खुद कर लीजिएगा इसका जो एयर पार्ट है वो मैं आपका करा देती हूँ तो ये एफ ऑफ एक्स इसने दिया हुआ है एक्स माइनस टू का स्केयर और एक्स माइनस वन तो क्या करेंगे आपने प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव लेने हैं तो ठीक है इसको खोल लोगे तो यहाँ तो प्रोडक्ट रूल लगाना है आप प्रोडक्ट रूल लगा के भी डेरिवेटिव्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपल वैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं तो क्या करेंगे एक्स केयर माइनस फोर एक्स प्लस फोर और एक्स माइनस वन तो मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स फोर एक्स प्लस फोर एक्स प्लस फोर एक्स और माइनस फोर ये से मल्टीप्लाई हुआ एक्स क्यूब आ गया ये इससे हुआ एक्स स्क्र आ गया और ये माइनस फोर एक्स माइनस फोर एक्स स्क्र ये इससे होगा माइनस प्लस फोर एक्स फोर एक्स एंड दिस तो आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्र प्लस फोर इंटू फोर एट एक्स माइनस फोर ठीक है आपने सबसे पहले इसका फर्स्ट डरिवेटिव लेना है फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे तो क्या आ जाएगा थ्री एक्स स्क् माइनस टेन एक्स प्लस एट अगेन सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा सिक्स एक्स माइनस टेन ठीक है फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए सेम वही मेथड है आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आपने क्या करना है फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू पहले जीरो पुट करना है जीरो पुट करके आपने इसमें से वैल्यूज फाइंड आउट करनी थ्री एक्स माइनस टेन एक्स प्लस एट इज इक्वल टू ज़ीरो तो ये आपके पास आ जाएगा चौबीस तो यानी कि जमा माइनस करें तो टेन आ जाए और वैसे आप सिंपलीफाई करो तो आपके पास आ जाए ठीक है यहाँ तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इस पर लगा लेना इसमें से ना जो भी x की वैल्यूज़ आपके पास निकले एक्सली फॉर एग्जांपल x ये खुद कैलकुलेस कर लेना x1 x2 फॉर एग्जांपल वैल्यूज निकली हैं तो आपने क्या करना है इन दोनों x1 और x2 को आपने सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके आपने चेक करना है वो ग्रेटर देन जीरो आता है या लेस देन जीरो आता है अगर ग्रेटर देन जीरो आए तो मिनिमम होता है अगर लेस देन जीरो आया तो वो मैक्सिमम होता है आज के लिए इतना ही काफ़ी है आप क्वेश्चन अपना कम्प्लीट टू कीजिएगा जो कि आपके शॉर्ट सिलेबस में इसका थर्ड पार्ट है फिफ्थ सिक्स पार्ट है एट पार्ट है और आपके पास नाइन पार्ट है ठीक है ये आप कैलकुलेशंस कर लीजिएगा ओके okay, उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा अगर किसी भी कोई प्रॉब्लम है कोई इश्यूज़ हैं तो आप वो ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो ओके अल्लाह हाफिज़